नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका काम की बात में। और आज हम आपको बताएंगे चांद के बारे में कुछ रोचक जानकारियां। लेकिन इससे पहले कि हम आपको यह महत्वपूर्ण जानकारी दें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाएं ताकि आप देख पाएं हमारी वीडियोस सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। चंद्रमा का मानव इतिहास से बड़ा गहरा ताल्लुक है। बच्चों को चंदा मामा की कहानियां सुनाई जाती है। महिलाएं चंद्रमा को देखकर अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। और हमारे पुराणों में भी चंद्रमा को देवता का भी दर्जा दिया गया है। धरती पर इंसानों की उत्पत्ति से काफी पहले से चंद्रमा का अस्तित्व था। चंद्रमा वैज्ञानिकों के लिए हमेशा एक अनसुलझी पहेली रहा था, लेकिन जैसे जैसे विज्ञान बढ़ता गया वैसे वैसे चंद्रमा के कई रहस्य खुलते गए। आज हम आपको बताते हैं चांद से जुड़ी कुछ रहस्यमयी जानकारियां। चंद्रमा पर वातावरण नहीं है, इसलिए चंद्रमा पर कोई आवाज सुनाई नहीं देती। 1969 में नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर पहुंचने वाले पहले वैज्ञानिक बने। चांद पर आसमान हमेशा काला दिखाई देता है। चांद पर वातावरण ना होने के कारण सूर्य की पराबैंगनी किरणें यानी कि अल्ट्रावायलेट रेस और कॉस्मिक रेस सीधे अंदर पहुंच जाती हैं। इसलिए चंद्रमा पर दिन में तापमान 107 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जो कि बहुत ज्यादा गर्म है। और वातावरण ना होने की वजह से रात को तापमान -153 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, यानी भयंकर सर्दी। इसलिए चंद्रमा पर जीवों की उत्पत्ति अभी संभव नहीं है। धरती से चांद का केवल 60% हिस्सा ही दिखाई देता है। चांद धरती से हर साल 3.8 सेंटीमीटर दूर होता जा रहा है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण धरती के गुरुत्वाकर्षण के 6 गुना कम है, यानी चंद्रमा पर 60 किलो के इंसान का वजन केवल 10 किलो ही हो जाता है। चांद पर छोटे छोटे भूकंप भी आते रहते हैं। चांद धरती का इकलौता प्राकृतिक उपग्रह है। सौर मंडल में बहुत सारे चंद्रमा मौजूद हैं और हमारा चांद 5वां सबसे बड़ा चंद्रमा है। पृथ्वी का वजन चांद से 80 गुना ज्यादा है। चांद 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट 11.6 सेकंड में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है। एक प्रचलित सिद्धांत के अनुसार चंद्रमा पहले धरती का ही हिस्सा था, लेकिन एक बड़ी चट्टान या उल्का पिंड के टकराने से धरती का कुछ हिस्सा टूट गया, जिससे चंद्रमा बना। नासा चांद पर एक परमानेंट स्पेस स्टेशन बनाना चाहता है। इसके लिए 2019 में फिर से वैज्ञानिकों को चांद पर भेजा जा सकता है। चंद्रमा की धरती से दूरी 3,38,04,403 किलोमीटर है। चांद पर पानी नहीं है, लेकिन वैज्ञानिकों का दावा है कि चांद पर पानी है, इसलिए रिसर्च जारी है। पृथ्वी पर होने वाले ज्वार भाटा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण की वजह से ही होते हैं। जब धरती सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है। हमारा चंद्रमा 4.5 अरब साल पुराना है। चंद्रमा पूर्व में उगता है और पश्चिम में छिपता है। रॉकेट से चंद्रमा तक जाने में 13 घंटे लगते हैं। इतनी दूर कार से जाने में करीब 130 दिन लगेंगे। चांद का क्षेत्रफल अफ्रीका महाद्वीप के क्षेत्रफल के ठीक बराबर है। चांद के धरातल पर पहाड़, खाई और बड़े विशाल गड्ढे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि चंद्रमा पर उल्का पिंडों के टकराने से ये गड्ढे बने हैं। चांद पर नील आर्मस्ट्रांग के पांव के निशान आज भी बने हुए हैं, और वैज्ञानिक मानते हैं कि 10 करोड़ साल तक ये निशान ऐसे ही बने रहेंगे, क्योंकि चांद पर हवा नहीं है जो पैर के निशान मिटा सके। चांद के पास अपनी कोई रोशनी नहीं है। चांद सूरज की रोशनी से ही प्रकाशित होता है। अगर सूरज ना होता तो हम कभी चांद को नहीं देख पाते। पिछले 41 सालों से चंद्रमा पर कोई व्यक्ति नहीं गया। चंद्रमा गोल नहीं है, इसका आकार अंडाकार है। चांद पर 6 घंटे गाड़े जा चुके हैं, जिनमें से 5 अभी भी गड़े हुए हैं। बस एल्ड्रिंग चंद्रमा पर पेशाब करने वाले पहले व्यक्ति थे। अमेरिका ने एक बार चंद्रमा पर परमाणु बम गिराने का सोचा था, ताकि वो दुनिया को अपनी पावर दिखा सके। अगर चांद नहीं होता तो धरती पर केवल 6 घंटे का दिन होता। चांद की मिट्टी में बारूद जैसी गंध आती है। चांद पर जाने वाले वैज्ञानिकों को आइसलैंड में ट्रेनिंग दी जाती थी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए नमस्कार।